हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल IIT जून ट्यूटोरियल और मैं आपके साथ आपका फिजिक्स फैकल्टी फिजिक्स टीचर शुभाशीष दास। तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं अनाउंस करने वाला हूँ, जिसका एक अनाउंसमेंट मैंने कुछ वीडियोस पहले कर दिया था कि हम लोग लाइव क्लास के थ्रू क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। जी हाँ, क्रैश कोर्स for all those students, those who are going to appear 2021 JEE Main or NEET. JEE Main के लिए और NEET के लिए हम लोग दोनों के लिए क्रैश कोर्स अनाउंस कर रहे हैं, और वो क्रैश कोर्स है 50 days क्लासेस, यानी कि आपको हर सब्जेक्ट में 50 क्लासेस मिलने वाला है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द 50 डेज क्लासेस, यू आर गोइंग टू गेट द टॉपिक वाइज टेस्ट इन ईच डे, यानी कि हर दिन आपका 3 सब्जेक्ट का क्लास होगा। अगर आप जेई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो इसमें जो है आपको 50 क्लासेस हर सब्जेक्ट में मिलने वाला है, और हर दिन आप एक टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे। कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आप डे 1 में जो भी 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी 3 टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है आपको लाइव क्लासेस में, उसी पे आपका टेस्ट होगा। तो हर दिन जो आप चीज़ पढ़ रहे हो उसी पे टेस्ट, और संग संग आपका उसी पे रिलेटेड जो भी डाउट्स बनेगा, डाउट्स क्रिएट होगा आपके आपके द्वारा, यानी कि जब आप टेस्ट दोगे तो जो क्वेश्चंस मान लो आपका डाउट रहेगा, आप रिलेटेड सब्जेक्ट के क्लास में उस टॉपिक का टेस्ट रिलेटेड डाउट्स वहीं क्लियर कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप क्लास मिल रहा है आपको लाइव क्लास रिवाइज करने के लिए, जहां हम लोग लास्ट फ्यू इयर्स का जो क्वेश्चंस टॉपिक वाइज पूछा गया है ना, जेई मेन में हो या नीट में, उसको डिस्कस करेंगे, या उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है या पूछा जा सकता है उसको रिवाइज करेंगे। जनरली हर सब्जेक्ट टीचर्स जो कॉमन मिस्टेक्स आप करते हो, है ना, किसी भी टॉपिक में, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या बायोलॉजी हो, आप जो कॉमन एरर करते हैं, जो मिस्टेक करते हैं, जो आपका कॉन्सेप्चुअल ड्रॉबैक्स है, उसको रेक्टिफाई करेंगे हम लोग लाइव क्लासेस में। ठीक है, और हर टॉपिक में आपको टेस्ट के अलावा एक असाइनमेंट वर्क भी दिया जाएगा, यानी कि क्लास में जो चीज़ आपको डिस्कस किया जाएगा, जिस तरह का क्वेश्चंस आपको टेस्ट में आप फेस करेंगे, उसी लेवल का एक क्वेश्चन, है ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको एवरीडे प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत यूजफुल प्रॉब्लम सेट्स मिलेगा। ठीक है, सेट्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू क्लियर योर टू कंटिन्यू योर रिविजन थ्रू प्रैक्टिस, क्लास मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, डाउट क्लियर मिलेगा, सो मेनी थिंग्स, है ना। और फी तो बहुत नॉमिनल है, फी आप पे कर रहे हो 4999, जस्ट दिस मच आप पे करोगे 4999 ये पूरा चीज के लिए। ठीक है, जो जनरली हम लोग जैसे टीचर का लगभग 1-1.5 महीने का फी होता है, तो वो हम पूरा 50 क्लासेस विद दिस ऑल फीचर्स आपके लिए ला रहे हैं। चाहे आप JEE मेन के लिए आ रहे हो, टेस्ट देना चाहते हो, मतलब ज्वाइन करना चाहते हो, या नीट, ठीक है, फॉर 2021। अब सवाल है, कुछ बच्चे कहेंगे कि चलो, हाँ अच्छा, इसमें एक और बात मैं जोड़ दूं, जहाँ तक JEE मेन का बात है, ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है ये हम लोग मार्च को एम करेंगे, हम लोग फेब्रवरी को एम नहीं कर सकते, क्योंकि फेब्रवरी को एम करने के लिए हम लोगों को उतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बच्चे इसमें इनरोल करेंगे, ठीक है, और फेब्रवरी तक हम लोग जितना मैक्सिमम क्लासेस ले सकते हैं, ताकि आपका फेब्रवरी में भी अगर आप बैठना चाहते हैं तो वो भी आपका पर्पस फुलफिल हो, लेकिन मार्च में तो आप डेफिनेटली बैठ सकते हो, जहाँ तक JEE मेन 2021 एस्पिरेंट्स का बात है। ठीक है, हाँ, अब सवाल है कि मान लो मार्च के लिए आपने हमारा कोर्स लिया, 50 डेज का कोर्स लिया, और
मार्च के एग्ज़ाम के पहले हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, आपको मान लीजिए अप्रैल में भी एग्ज़ाम देना है, मई वाला पार्ट का भी एग्ज़ाम देना है, तो जब आप मार्च से अप्रैल मूव करेंगे या अप्रैल टू मई जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मार्च तक आपका कंप्लीट करा दें बोल के यू विल बी नॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अस, फ्रॉम आवर एंड। हम लोग मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई, ये जो प्रोसेस है इसमें आपका मॉक टेस्ट लेते रहेंगे, मॉक टेस्ट प्लस डिस्कशन, समझ रहे हो कि नहीं आप, मॉक टेस्ट प्लस डिस्कशन। तो हम लोग, जैसे कि आपका कॉमन डाउट हो सकता है कि मार्च तक मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया तो फिर मैं तो मेरे को सपोर्ट अप्रैल मई का मिलेगा कि नहीं, येस ऑफ़ कोर्स, एज आई सेड मार्च टू अप्रैल मॉक टेस्ट प्लस डिस्कशन, अप्रैल टू मई फिर मॉक टेस्ट प्लस डिस्कशन। ये जो डिस्कशन होगा, इस डिस्कशन में आपका क्या मिलेगा, सपोर्ट क्या होगा, देखिए ये डिस्कशन में पेपर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का तो डिस्कशन करेंगे, इसके अलावा वहाँ कुछ डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखेंगे इस फेज़ में। यानी कि आप हमको 4999 का फी पे कर रहे हो, बट योर एक्सटेंशन, आपका प्रोग्राम कहाँ तक जा रहा है, मई तक, है ना। यानी कि आप मार्च अप्रैल में तीनों एग्ज़ाम को हम लोग कवर अप कर रहे हैं, भले ही क्लासेस जो टॉपिक वाइज पढ़ा देने का जो बात है, जो हर लाइव क्लास के थ्रू हम लोग आपको हर चैप्टर में हर सब्जेक्ट में जो पढ़ाएंगे वो हम लोग मार्च से पहले ही ख़त्म कर देंगे, मार्च के एग्ज़ाम के पहले ही, ठीक है। लेकिन हमारा कंटिन्यूएशन आपके साथ मई तक एक्सटेंड होगा, क्लियर है। तो ये रहा जेई मेन के लिए। अच्छा, अब चले आते हैं नीट के लिए। नीट के लिए क्या करेंगे, नीट वाले बच्चों का भी वही कहना है कि 50 डेज का प्रोग्राम अगर हम लोग कर रहे हैं, 50 डेज क्लासेस, तो उसमें नीट के लिए तो टाइम बचेगा, क्योंकि नीट तो यहाँ नहीं ना होना है, नीट अगर टाइमली होता भी तो है तभी में, लेकिन चांसेस बहुत कम है। अगर एक्सटेंड कर जाता है, फॉर एग्जांपल अगर वो जून में चला जाएगा, तो नीट वाले में क्या करेंगे, अगर हम लोग मार्च तक ख़त्म कर रहे हैं, तो अब सवाल है कि हम लोग क्लास को मई तक एक्सटेंड कर सकते हैं नीट में, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो बच्चे का, जो ये क्रैश कोर्स का करने का मतलब क्या है, कि जो बच्चा ऑलरेडी कुछ जानता है हर टॉपिक में, कहीं कहीं उसका कुछ डाउट्स है ना, तो वो क्लियर कर लेगा, वो रिविज़न कर लेगा, एक क्विक रिविजन्स हो जाएगा पूरा सिलेबस का, जहाँ जहाँ चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कुछ कुछ चीज़ फंसा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वह आप वो मार्च के पहले तक क्लियर कर लो, ठीक है, और फिर आपके साथ भी ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। अगर नीट वाले बच्चों का एग्ज़ाम मई में होता है तो मई तक ही एक्सटेंड होगा, अगर जून में होता है तो जून तक एक्सटेंड होगा। यानी जब तक नीट का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम आपके साथ मॉक टेस्ट प्लस डिस्कशन कंटिन्यू करते रहेंगे विद अ गुड फ्रिक्वेंस, मतलब अच्छा नंबर ऑफ टेस्ट हम लोग यहाँ कंटिन्यू कंडक्ट करते रहेंगे, हर वीक में 2-3 टेस्ट तो होते रहेगा। तो मॉक टेस्ट प्लस डिस्कशन हमारा कंटिन्यू होगा इवन आफ्टर कंप्लीटिंग 50 डेज प्रोग्राम। यानी कि कहने के लिए तो हम आपको 50 डेज का प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है, तो कहने का मतलब हम लोग कमिटमेंट कम कर रहे हैं लेकिन आपको सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कम वादा कर रहे हैं लेकिन सर्विस ज़्यादा देने का बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम क्लासेस को मई या जून तक एक्सटेंडेड वर्जन में सोचे तो फिर ये बढ़ जाता है, इसका मैं आप लोगों को प्रेशर नहीं देना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये वाला पोर्शन पे थोड़ा सा प्रेशर हो जाए, ठीक है। उसीलिए हम लोगों ने प्रोग्राम को इस तरह से मैकेनाइज किया कि प्रोग्राम देखने को 50 डेज लगेगा लेकिन वो एक्सटेंड होगा काफ़ी ज़्यादा समय तक, ठीक है। तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है ना, बहुत सारा बेनिफिट आपको मिल रहा है, लाइव क्लास मिल रहा है। अच्छा, दूसरा बात है कि मॉक टेस्ट का बात यहाँ कर रहे हैं, तो क्या 50 डेज पोर्शन में नहीं होगा, होगा तो वहाँ तो कह रहे हैं टॉपिक वाइज टेस्ट होते रहेगा, है ना, आपका टॉपिक वाइज टेस्ट कंटिन्यू होते रहेगा, और लास्ट में आके हम लोग जैसे मार्च के लिए मान लो मार्च का एग्ज़ाम है जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्च में मान लो किसी का
22 को एग्ज़ाम है, ठीक है। हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल मार्च में, फॉर एग्ज़ाम्पल 10th मार्च तक ख़त्म कर लिए, ठीक है, 10th मार्च तक ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ इस पार्ट में हम लोगों का मॉक टेस्ट चलेगा। तो यानी कि मॉक टेस्ट का जो बात है वो कंटिन्यू चलेगा, इधर यू आर अपीयरिंग द एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल और मई, ठीक है। नीट वालों के लिए भी वही है कि टॉपिक वाइज टेस्ट पहले होगा, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे इन 50 क्लासेस, और उसके बाद एक्सटेंडेड मॉक टेस्ट, ठीक है। और इसमें ये तो रहा क्लास स्ट्रक्चर, फी, ठीक है। अच्छा, आपको करना क्या है, हाउ कैन यू रजिस्टर सब ये टोटल क्लासेस, तो आई आई टी जोन ट्यूटोरियल्स का एंड्रॉयड एप्लीकेशन में होगा टोटल प्रोग्राम, लाइव क्लासेस, टेस्ट, है ना, असाइनमेंट वर्क, जो भी पेपर देना है, सब टोटल काम आई आई टी जोन ट्यूटोरियल्स में ही होगा। तो आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, ठीक है, या मैं इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये डाउनलोड करके अब रजिस्ट्रेशन, आप बैच में कैसे ज्वाइन कर सकते हो, बैच में ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है कि आपको इस नंबर में है ना व्हाट्सएप करना है, आप इस नंबर में व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप करके आप अपना नाम, कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जेई मेन या नीट, कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेंशन कीजिए, नाम मेंशन कीजिए, ठीक है। आप कहाँ से हैं, मतलब कौन टाउन से, कौन सिटी से है वो मेंशन कीजिए, ठीक है। और उसमें हम आप लोगों को, जैसे आपका व्हाट्सएप आएगा, देन वी विल सेंड यू द डिटेल हाउ टू ट्रांसफ़र द फी, ये फी आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, वो आपको वहाँ बता दिया जाएगा। तो करना क्या है, आपको ऐप डाउनलोड करना है, पहला काम। दूसरा है कि आपको इस व्हाट्सएप नंबर में आपको अपना डिटेल भेजना है, नाम, आप कहाँ से हो, ठीक है, और आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, जेई मेन या नीट, तब हम लोग आपको आपके व्हाट्सएप में भेजेंगे पेमेंट डिटेल्स। पेमेंट अमाउंट आपके सामने है, क्लियर है ना, उसमें 2-3 ऑप्शन होगा पेमेंट डिटेल्स का, इधर आप बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकोगे या वो दे देंगे, या आप गूगल पे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शंस हम वहाँ प्रोवाइड कर देंगे आपको आपके व्हाट्सएप में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोर्स प्रोग्राम समझ गए हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है, ठीक है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका क्या क्वेरी है, आप और क्या डिटेल जानना चाहते हैं, अगर कहीं कुछ कन्फ्यूजन है अबाउट दिस प्रोग्राम, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस में आई वॉन्ट टू टेल यू एक वाइड रेंज ऑफ टीचर्स एसोसिएटेड है मेरे साथ, ठीक है। हर सब्जेक्ट के टीचर्स, मिनिमम 15 ईयर्स एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, यानी कि हर एक टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में चैम्पियन टीचर्स हैं, ठीक है, और काफ़ी एक्सपीरियंस है, दे आर टीचिंग एट वेरियस पार्ट्स ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, है ना, पैन इंडिया लेवल के टीम है मेरे साथ। और आपके लिए ये फर्स्ट टाइम आईआईटी जोन प्लेटफॉर्म में एक फुल फ्लेज्ड प्रोग्राम हम लोग ऑफर कर रहे हैं आपको, बहुत ही मिनिमम प्राइस में, है ना, ये हम लोगों के हिसाब से बहुत बहुत मिनिमम प्राइस है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप लोगों को कोचिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रहा है, तो ऑनलाइन के ज़रिए हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सके। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ, इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि आपको इस तरह का एक अनाउंसमेंट का इंतज़ार था, आप इस तरह का एक कोर्स ढूंढ रहे थे, है ना, और आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए मैं सुभाषिश दास अपने टीम के साथ आईआईटी जोन प्लेटफॉर्म में आपको वेलकम करते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो तुरंत इस प्रोसेस में लग जाइए, आईआईटी जोन ट्यूटोरियल को का मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए,
इस नंबर को नोट कीजिए, इस नंबर में आप व्हाट्सएप करके अपना फर्दर कोई क्वेरीज है तो वो पूछ सकते हैं, या अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आइदर जेई मेन और नीट तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, सो दैट वी कैन गाइड यू हाउ टू ज्वाइन इन आवर बैच। ऐप में आप डायरेक्ट कंसर्न बैच ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बैच कस्टमाइज होगा, वो हम लोग वो बैच को क्रिएट करेंगे, उसका एक स्पेसिफिक बैच नेम है, कोड है, एंड वी कैन ओनली एड यू इन दैट बैच। और वो तभी हो पाएगा जब आप इस प्रोसेस को पूरा करेंगे, पेमेंट आपका ट्रांसफ़र होगा, एंड आफ्टर दैट वी विल एबल टू एड यू इन दैट बैच। ठीक है, तो उस पे उसके लिए बात करने के लिए आप इमीडिएट इसमें व्हाट्सएप कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, और चलिए शुरू कर देते हैं 2021 का एक सक्सेसफुल वेंचर को कंप्लीट करने के लिए। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।